بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Father Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. Hazrat Allama Shamsuddin Imam Sakhavi Nawarallahu Markadu ka farman mubarak. Iman ke raston mein se sabse bada rasta Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam par durood pak padhna hai. अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। फदर कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फदर कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान। फ्री ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर बिगिनर्स बैच टू। Parts of speech, tenses, lesson number 14, tense kind number 4, present perfect continuous tense. तो आज का हमारा जो लेसन है वो परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में है। कंटिन्यूस हमारे पास 12 की जो 12 किस्में हैं उसमें कंटिन्यूस हमारे पास 6 हैं, और हर कंटिन्यूस में 6 के 6 कंटिन्यूस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो हम कौन से इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेजेंट मौजूदा, परफेक्ट मुकम्मल, कंटिन्यूस जारी, टेंस जमाना। तो ऐसे काम का जिक्र जो मौजूदा जमाने में हो, मुकम्मल भी हो और जारी भी हो। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मुकम्मल हो कि मैंने सेब खा लिया था या मैं सेब खा चुका था, एक काम था वो मुकम्मल हो चुका था। उससे पहले हमने कंटिन्यूस पढ़ा था कि मैं सेब खा रहा हूँ, मौजूदा जमाने में काम हो रहा है। ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, यानी काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल है और कुछ हिस्सा भी जारी है। तो ये कैसे होगा इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ते हैं। वर्ब एज रिविजन के प्रिंसिपल वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इसमें आईएनजी का इस्तेमाल होगा और प्रिंसिपल वर्ब जो है आईएनजी के साथ प्रिंसिपल वर्ब का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो हमारा फॉर्मूला है, काम करने वाला वर्ब काम, सब्जेक्ट काम करने वाला वर्ब काम, ऑब्जेक्ट इस पर काम किया जाए। फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा और थर्ड फॉर्म हमने पढ़ा, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जितने टेंसेस हमने पढ़े हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में है कि सब्जेक्ट के बारे में कि काम करने वाला जो फाइल है वो इसमें इस टेंस में इसके कितने ग्रुप है, तो दो ग्रुप है। उसी तरह एक ही शी नेम इट का, ये जो सारे वाहिद के वाहिद हैं, ही शी नेम इट, इसके साथ हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। और बाकी जो अदर्स हैं, अदर्स के ग्रुप में आई है या यू है, यू वाहिद भी है जमा भी है, आई वाहिद है, वी दे, ये बाकी सारे जमा है, इनके साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा। तो बहरहाल जो चार हैं उनके साथ हैज बीन और बाकी सबके साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा। ये बस इसमें हमने सीखना है कि हैज बीन कहाँ लगता है, हैव बीन कहाँ लगता है। तो हैज जो
परफेक्ट हैं और परफेक्ट कंटिन्यूज है, उसमें हैज और हैज बीन का इस्तेमाल है। तो पीछे हमने जो परफेक्ट पढ़ा उसमें हैज ही शी नेम इट के साथ हैज लगता था, और इसके साथ भी उसी तरीके से सिर्फ बीन का इसमें इजाफा हुआ है। तो यहां से हमारा काम स्टार्ट होता है बाकायदा से। काइंड नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, इसमें आगे टाइम और पीरियड का भी जिक्र है। तो सब्जेक्ट है, फॉर्मूले में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन कहाँ लगेगा वो बता दिया, और हैज बीन कहाँ लगेगा वो बता दिया। उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब विद आई एन जी, जैसे सिर्फ कंटिन्यूज में था गो से गोइंग, इस तरह इसमें भी गो से गोइंग होगा। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद तमाम तीनों हम पढ़ चुके, तीन टेंस में के सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर जुमला खत्म हो जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगेगा, एक लगेगा, ठीक है, लगाना कौन सा है वो हम पढ़ते हैं। टाइम और पीरियड लगेगा, तो टाइम कौन सा है, पीरियड कौन सा है, उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो फिर इस पूरे फॉर्मूले की हमें समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम हैज बीन को डिफाइन करते हैं, हैव बीन को डिफाइन करते हैं, ही शी नेम इट के साथ हैज बीन लगेगा, अदर जितने हैं बाकी सबके साथ हैव बीन लगेगा, सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। तो सिंस स्पेसिफिक टाइम के साथ या पीरियड के साथ लगेगा, मालूम जो वक्त है, और फॉर अनस्पेसिफिक टाइम या पीरियड के साथ लगेगा जो कि नामालूम वक्त है। वक्त अगर इस जुमले में आ रहा हो, और यानी कंटिन्यूज में हमने पढ़ा कि मैं सेब खा रहा हूँ, ठीक है, इसमें हम वक्त का जिक्र करते हैं कि मैं 2 दिन से सेब खा रहा हूँ, या मैं पीर के दिन से सेब खा रहा हूँ, तो ये जो वक्त का जिक्र आ जाता है पीर के दिन से या 2 दिन से, तो पीर का दिन जो है अब एक मालूम वक्त है, ठीक है, खास वक्त है, एक स्पेसिफिक टाइम है। पीर हफ्ते में कितनी दफा आएगा, एक ही दफा आएगा, तो मालूम वक्त हो गया। आप किससे कहे कि मैं पीर के दिन से आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो बस एक मालूम वक्त हो गया। मैं 2 दिन से, तो अब पता नहीं पीर और मंगल से, बुध जुमेरात से, हफ्ता इतवार से, मंगल बुध से, कौन से 2 दिन का आप जिक्र कर रहे, पता नहीं चलता। तो अनस्पेसिफिक टाइम, जैसे मारे फना की बात है, कॉमन प्रॉपर की बात है, ठीक है, आम और खास, मालूम ना मालूम। तो जो मालूम वक्त हो उसके लिए वो खास हो जाता है, ठीक है, वो या टाइम होगा या पीरियड होगा। टाइम से मुराद 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, पीरियड 2 दिन, 4 दिन, 2 हफ्ते, 2 साल, ठीक है, दौरानिया। तो इन जुमलों के अखीर में ये आता है, क्या आता है, वक्त के साथ रहा का लफ्ज आएगा, ठीक है, वक्त के साथ रहे का लफ्ज आएगा, वक्त के साथ रहा है, रही है, वगैरह वगैरह आएगा। मसलन वो पीर के दिन से सेब खा रहा है, तो कंटिन्यू में था कि वो सेब खा रहा है, ठीक है, इसमें है पीर के दिन से सेब खा रहा है या 2 दिन से सेब खा रहा है। तो मैं पीर के दिन से सेब खा रहा हूँ, वक्त मैं 5 बजे से सेब खा रहा हूँ, हम तुम 5 बजे से स्कूल जा रहे हो, तुम मई के महीने से, वो मई के महीने से इस घर में रह रहा है, ठीक है, वो सुबह से खाना पका रही है, घर का काम कर रही है, हम पिछले 2 हफ्ते से कोर्स सीख रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में जो मालूम वक्त है उधर क्या लगेगा, स्पेसिफिक टाइम मालूम के लिए सिंस लगेगा और नामालूम के लिए फॉर लगेगा। जैसे इसमें वक्त मालूम है पीर के दिन, तो सिंस मंडे है, ये नामालूम है तो फॉर टू डेज।
तो अब जुमला हम बनाते हैं, वो 2 दिन से सेब खा रहा है। अब 2 दिन एक नामालूम वक्त है, ठीक है। तो ही हैज बीन, सब्जेक्ट हैज बीन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है विद आई एन जी और ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद सिंस या फॉर में से हम एक चीज लगाएंगे, तो सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, फैसला इस पर होगा कि यहाँ पर वक्त मालूम है या ना मालूम है। तो चूंकि ना मालूम है, पीर या मंगल या बुध का जिक्र नहीं है, 2 दिन पता नहीं कौन से 2 दिन है, इसलिए हम फॉर लगाएंगे, और 2 दिन है तो 2 डेज हो जाएगा। ही हैज बीन ईटिंग एप्पल फॉर 2 डेज, वो 2 दिन सेब खा रहा है। इसी को नेगेटिव करते हैं, नहीं खा रहा है। इसी को इंट्रोगेटिव करते हैं, क्या वो दो दिन से सेब खा रहा है। तो यही तरीका होगा, ही हैज बीन, ठीक है, ही हैज नॉट बीन। पीछे जो परफेक्ट टेंस है उसको आपने जहन में रखना है, वो अगर आपको परफेक्ट याद होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस की आपको समझ आएगी। पिछला टेंस याद होगा तो अगले की आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। उसमें हम क्या हमने पढ़ा था, थर्ड फॉर्म पढ़ा था, ही हैज नॉट गॉन, ही हैज नॉट ईटन, तो ये वही हैज नॉट है, ठीक है ना। उसमें ही हैज था, इसमें भी ही हैज है, और उसमें ईटन था, थर्ड फॉर्म था, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस में आईएनजी के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, ठीक है। और बीन का इसमें सिर्फ बीन का इजाफा है बस, बाकी कंटिन्यूस में हमने पढ़ा है कि हर कंटिन्यूस में ईटिंग आईएनजी आएगा। ये बीन हमारे लिए सिर्फ नया है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो बीन हमारे लिए आज सीखने की चीज है कि हम सीखे कि बीन इसमें लग गया है, और फार और सिंस को हमने सीखना है कि फॉर कहाँ लगेगा और सीन कहाँ लगेगा, ठीक है। तो अगर पिछले 3 जो किस्में हैं उस पर सही किसी ने मेहनत की है, क्लास में भी समझ आई है, बाद में घर में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, असाइनमेंट भी भेजी है, अच्छे से उसको मार्क्स मिले हैं वगैरह वगैरह, तो आज उसने सिर्फ ये सीखना है कि बीन कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है, बाकी पूरी क्लियरिटी उसको समझ आएगी इंशाल्लाह। ये जो व्हाइट में है वही परफेक्ट टेंस वाला फॉर्मूला है, ही हैज, ठीक है, ही हैज नॉट और हैज ही, बस ही हैज को इधर हैज ही हो गया, और यहाँ ये ही हैज है और ये भी ही हैज, ठीक है, और ये हैज ही है, ये आपस में क्रॉस हो गया। इसमें नॉट का जिक्र है, नहीं का तो नॉट का इजाफा हो गया। बाकी जो परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है, क्योंकि ये मैं इसलिए इसकी जरा तफसील बयान कर रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ही हैज बीन नॉट, ही हैज, ये ही हैज बीन है तो ही हैज बीन के बाद नॉट लगा लेते हैं, ही हैज बीन नॉट ईटिंग एप्पल, ही हैज बीन ईटिंग नॉट एप्पल, तो नॉट इधर उधर लगा देते हैं, गलत जगह पे लगा देते हैं, तो इसलिए इसको वाइट कर दिए कि जो परफेक्ट का अगर आप कंफ्यूज हो जाए, इंसान है हो जाता है कंफ्यूज, कोई मसला नहीं, तो परफेक्ट को आप अच्छे तरीके से जहन में लाएं कि परफेक्ट में क्या था, ही हैज ईटन, ही हैज नॉट ईटन, हैज ही ईटन, तो ये भी वही फॉर्मूला, ही हैज नॉट ईटन, ठीक है, ही हैज नॉट, तो उसके बाद आपने फिर बाकी जुमला बनाना है। तो ही हैज बीन ईटिंग एप्पल फॉर 2 डेज, ही हैज नॉट हो गए, ही हैज के बाद आपने परफेक्ट में नॉट लगाया था, इसमें भी आप नॉट लगाए, ठीक है। उसके बाद आप ये बीन आप नीचे लेकर आए, ऊपर सारा जुमला नीचे आया बस, बाकी कोई चेंज नहीं। ये जुमला जो हैज बाहर निकल आया है और ही अंदर चला गया है, ये एच स्मॉल हुआ और ये एच कैपिटल हुआ, देखें ये कैपिटल हो गया और ये स्मॉल हो गया, बाकी यही जुमला हैज ही बी नीचिंग है पर बस, फॉर 2 डेज, क्लियर, समझ आ गई। यहां तक बता दे, किसी जी को कंफ्यूजन है, कोई मसला है, कंफ्यूजन है कुछ, तो कुछ सवाल है पूछ, लेकर हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद। किसी का कोई सवाल है तो सोच लें इसको। ये टाइम और पीरियड में क्या फर्क है सर?
जी, टाइम और पीरियड में क्या फर्क है? वेरी प्यारा सवाल आपने किया है। टाइम और पीरियड जो है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। जी सर। अच्छा, ये सवाल है, मैं इधर सवाल पढ़ रहा था। सवाल आपको किस किस के क्या सवाल आया है? तो सिंस और फॉर में क्या फर्क है? ठीक है जी। तो टाइम और पीरियड जो है ना, ये फर्क है जी। टाइम और पीरियड में ये देखें, ये एक पीरियड है, 2 दिन, दौरानिया। टाइम का मतलब है वक्त, ठीक है। मसलन सुबह जी से, मैं सुबह से सेब खा रहा हूँ, तो सुबह एक वक्त हो गया। मैं 9 बजे से सेब खा रहा हूँ, जो हमारे 24 घंटे का टाइम है ना, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ठीक है, 9 AM, 9 PM, तो सर। ये टाइम हो गया। और पीरियड दौरानिया हो गया, ठीक है। अब दौरानिया जो है वो 2 घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, वो 2 दिन का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, और 100 साल का भी हो सकता है, ठीक ठीक है। हिंदू पिछले 200 साल से फला मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है। मुसलमान 200 साल से फला मुल्क में रह रहे हैं, इस तरीके से कई लंबा पीरियड भी हो सकता है और मुख्तसर पीरियड भी हो सकता है। क्लियर होगी जी बात? सर। अच्छा जी, सिंस और फार की बात है कि सिंस और फार किसे कहते हैं। तो ये जो हम लगाते हैं ना, कि एक सिंपल कंटिन्यूस है, असल पहले यहाँ से देखना होगा कि सिंपल कंटिन्यूस के हम के प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है ना, परफेक्ट जिसमें ना हो कि वो सेब खा रहा है, ठीक है। अब परफेक्ट में क्या है कि वो पीर के दिन से सेब खा रहा है, तो ये जो से है ना, से वो चाहे मालूम वक्त हो उसमें भी से आएगा, अगर नामालूम वक्त हो उसमें भी से आएगा। अगर आप इधर के कि वो 9 बजे से सेब खा रहा है, ठीक है, 9 बजे से, तो ये एक टाइम हो गया, मालूम टाइम। वो 2 घंटे से, तो नामालूम टाइम हो गया। तो दोनों के लिए से का लफ्ज आएगा। तो से के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस या फार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फॉर, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार, आप मैं आई एम वेटिंग, आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो से के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये जो टाइम है, अगर जुमले में मालूम टाइम हो, तो फिर सिंस आएगा, ठीक है ना, सिंस आएगा। और अगर ये टाइम ना मालूम हो, तो फिर फॉर आएगा। तो अगर ये जो टाइम इसमें से इसमें ना हो, तो फिर ये सिंपल कंटिन्यूस बन जाएगा, वो सेब खा रहा है, ही इज ईटिंग एप्पल हो जाएगा। और वक्त की वजह से ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है, कंटिन्यूस से परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। क्यों, कैसे? कि इस वक्त की वजह से, ठीक है, इस वक्त की वजह से ये काम कुछ मुकम्मल है, कुछ रहता है। वो पीर के दिन से सेब खा रहा है, तो मतलब ये कि अगर 2 दर्जन सेब हैं और पीर के दिन से वो खा रहा है, तो उसने कम से कम आधा दर्जन तो खत्म कर लिया है ना। इस तरीके से दूसरी मिसाल आप ले लें कि ये हम 2 महीने से मकान बना रहे हैं, तो 2 महीने से मकान अगर बन रहा है, तो जाहिर है एक दीवार तो बनी होगी ना, एक कमरा तो बना होगा ना, ठीक है। अगर पूरा मकान 3 मंजिला मकान है और पूरा का पूरा नहीं बना, तो 2 महीने में कम से कम उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो मुकम्मल है। तो कुछ हिस्सा क्या है, वो परफेक्ट है, मुकम्मल हो चुका है, कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और कुछ अभी उसका काम जारी है। अगर ये मकान जो है मुकम्मल तौर पर बन जाए, तो हम मकान बना चुके हैं या हमने मकान बना लिया है, तो फिर ये कंटिन्यू बीच में से निकल जाएगा और ये सिर्फ परफेक्ट रह जाएगा, ठीक है। तो वापस जो है ना, तीसरे टेंस में बात चली जाएगी, तीसरी किस्म में बात चली जाएगी, चौथी किस्म से वापस निकल जाएगी।
तो इसी वक की वजह से हम इसमें से का इस्तेमाल करते हैं और सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, बात क्लियर हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो दोबारा में क्लियर कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सवाल हो तो साथ साथ पहले पूछ सकते हैं एनी टाइम। जिस तरह हैज बीन है इसी तरह हैव बीन भी है इसमें, और उसमें कोई फर्क नहीं, उसमें भी मालूम वक्त के लिए सिंस आएगा और ना मालूम वक्त के लिए फार आएगा, ठीक है। बस सिर्फ हैज और हैव का फर्क है, हैज और हैव का जो इस्तेमाल है वो डिपेंड करता है, मुनहसर है वो आपके सब्जेक्ट पर कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ही शी नेम इट है तो हैज आएगा, और ही शी नेम इट चार के अलावा कोई भी है तो हैव आएगा। बाकी वही तरीका है, मैं पीर के दिन से सेब खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग एप्पल सिंस मंडे, मैं पीर के दिन से नहीं खा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन ईटिंग एप्पल सिंस मंडे, क्या मैं पीर के दिन से सेब खा रहा हूँ, हैव आई बीन ईटिंग एप्पल सिंस मंडे, ठीक है। तो वर्ड मिले कि आई हैव नॉट, हैव आई, उसी परफेक्ट की तरह शुरू में जो है ना आई हैव आएगा, आई हैव नॉट आएगा, पॉजिटिव अफर्मेटिव ये है, नेगेटिव ये है और इंट्रोगेटिव ये है। फिर ये जो बीन है ये उसी तरीके से आगे चलेगा, ये जुमला नीचे फिर सारे अल्फाज नीचे उतार लेंगे। अच्छा जी, क्लियर। जी सर। स्पेलिंग रूल्स फॉर आई एन जी, इसमें भी चूंकि आई एन जी का इस्तेमाल हुआ है ना, तो सी दीज रूल्स इन प्रीवियस लेसन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपने पढ़े थे ना रूल, सिंपल कंटिन्यूस में, ठीक है, कि आई एन जी का क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ पर कंसोनेंट हो, डबल हो, वाई का जिक्र हो, आई एन जी लगाने, वाई काटना है नहीं काटना, वही सारे रूल इसमें भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कुछ इस लेयर को आप पढ़ ले सीख, तो इसके मुताबिक आगे हमने जाना है। अच्छा जी, तो असाइनमेंट हमारे सामने ये है कि स्टूडेंट्स अपनी तरफ से कुछ उर्दू के जुमले बनाए, ठीक है, और ये हमारे पास टेंसेज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चार हमारे हमारी जो किस्में हैं टेंसेस की आज पूरी हो गई। आई गो इंडेफिनिट टेंस में आई गो, ठीक है, और कंटिन्यूस में आई एम गोइंग, परफेक्ट में आई हैव गॉन, परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैव बीन गोइंग। आगे फिर जो जुमला मैंने सिर्फ इतना लिखे कि हमें इसकी समझ आ जाए हैज है कि हैव है, क्या लगाना है, बाकी सिंस फॉर आपने पढ़ लिया, ठीक है, जुमला मैंने लंबा नहीं किया किया कि सिंपल हमारी सिर्फ प्रैक्टिस हो जाए, गर्दान हमारी जरा ठीक हो गए। आई गो, आई एम गोइंग, आई गो, आई हैव बीन गोइंग, ये एक सांस में आपको कम से कम ये आना चाहिए, बेहतर है कि आप इस तरह कर सके, आई गो, आई डू नॉट गो, डू आई गो, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव नॉट गॉन, हैव आई गॉन, आई बीन गोइंग, आई हैव नॉट बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग, एक सांस में आप ये पढ़ सके, ठीक है, एनी हो कम से कम ये भी आप पढ़ सके ना एक सांस में, और आहिस्ता आहिस्ते आपकी इसकी प्रैक्टिस हो, मश्क हो, और 12 की 12 किस्में मुकम्मल हो जाए, और फिर आप एक सांस में 12 जो सिर्फ एफर्मेटिव जुमले आप कह सकें, तो अगर ये आपको याद हो गया तो ये इसमें फिर मतलब नॉट लगाना, डू नॉट लगाना, डज नॉट लगाना और ये लगाना कि वो फिर आसान। तो ये गर्दान जो है आपने अभी कंप्लीट करनी, ठीक है, उसी तरीके से घर में आपने प्रैक्टिस करनी है, दो दो वर्ब ले लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, लिख लें, मुझे भेज दें, मैं चेक करके वापस भेज दूंगा। अफगानिस्तान इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद पाकिस्तान, साफ खैर। अच्छा जी, कोई सवाल हो आप लोग पूछ लें। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। तो ये रिवीजन है हमारी, पहला टेंस हमारा ये था कि सम ठीक है आई गो, दूसरा ये था आई एम नॉट गोइंग, तीसरा ये था प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव गॉन, चौथा ये था आई हैव बीन गोइंग, आज हमने पढ़ लिया। अच्छा जनाब, तो अभी समझ आ गई आपको
तो ठीक कोई बंदा आप में से जुमले कोई जुमला बना लें अपनी तरफ से उर्दू में, कि जुमला हम इसमें उर्दू में कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एक बंदा जुमला बनाए ताकि देखने अगर जुमला ठीक है तो उस पर हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, टाइम है 3-4 मिनट तो जरा प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं 9 बजे से इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ। मैं 9 बजे से इंग्लिश की क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, ये जुमला बिल्कुल ठीक बनाया है। अब इसमें जो टाइम है 9 बजे, तो ये स्पेसिफिक है, मालूम है या नामालूम है, कौन सा टाइम है? मालूम सर, सिर्फ मालूम है, बिल्कुल 9 बजे, ठीक है, 9 बजे। तो जाहिर है कि मैं सुबह 9 बजे से, तो सुबह के वक्त 9 बजे ही की तरफ आएगा, दोबारा नहीं आएगा, तो रात को आएगा। जी बिल्कुल सर। सही है। अब अगर मालूम टाइम है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सेंस लगाएंगे सर। सेंस लगाएंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा, और ये जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या होगा? सब्जेक्ट काम करने वाला कौन होगा? होगा सर। आई होगा। तो आई कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप वन में आता है, ही शी नेम इट के ग्रुप में आता है कि टू में आता है? ग्रुप 2 में आते हैं सर। ग्रुप टू में आता है। अच्छा, वन के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, टू के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? 1 के लिए हैज बीन लगाएंगे और 2 के लिए हैव बीन लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, तो आई लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? हैव बीन लगाएंगे। आई बीन लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट तो हो गया, आई ऑब्जेक्ट वो लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे सर। वर्ब लगाएंगे, वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? कौन सा वर्ब वर्ब है, के पेट्रोल साथ वाला है या आई सीएनजी वाला है? बी, ये सीएनजी वाले सर। जी सीएनजी वाला है, क्योंकि कंटिन्यूज है ना, सर। कंटिन्यूज है। अच्छा, तो क्या जुमला क्या था कि मैं 9 बजे से, हाँ क्लास ले मैं रहा नौ हूँ, बजे से क्लास ले रहा हूँ जी। ठीक। तो आई हैव बीन, क्लास लेने के लिए टेक से क्या हो जाएगा? टेकिंग हो टेकिंग जाएगा, और टेक का जो स्पेलिंग है TAKE, तो आखिर में ई है, ठीक जी है, सर, तो ई को क्या कर लेंगे? ये कार को का, खत्म कर दूंगा। और उसमें आई सीएनजी इंजी सीएनजी सीएनजी डाल लेंगे उसमें, ठीक है, का तो टेकिंग इजाफा हो जाएगा, आई हैव बीन टेकिंग। और टेकिंग के बाद ये हमारा वर्ब हो गया, वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? कर। सेंस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? सर। क्लास सर। क्लास, आई हैव बीन टेकिंग क्लास। अब क्लास के बाद बाकी में तो जुमले खत्म होते हैं, इसमें आगे जुमला बढ़ेगा, सेंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन टेकिंग क्लास, सेंस सेंस, नाइन 9 o'clock। 9 o'clock, ठीक है, 9 o'clock, ठीक है, आई हैव बीन टेकिंग क्लास सिंस 9 o'clock, वेरी गुड, जबरदस्त। आप दोबारा से 50 रुपए के हकदार ठहरे हैं, वेरी गुड। अच्छा जी, इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव, I have not been taking class for 9 o'clock since 9 o'clock। सेंस नहीं निकला। ये एक बंदा जुमला बना रहा है ना, प्रैक्टिस कर रहा है, ताकि मतलब वो बाकी को भी समझा रही, तो बाकी को वैसे चाहिए कि ये कागज पे जुमला लिख लेते हैं, ठीक है, और ताकि सामने होता ना, क्योंकि मैं तो नहीं लिख रहा, हम प्रैक्टिस जुबानी कर रहे हैं। अच्छा जी,
बिल्कुल सही है। और इंट्रोगेटिव जो है वो कैसे मनाएंगे? हैव आई बीन टेकिंग द क्लास सेंस नाइन ओ क्लॉक. 9 o'clock, वेरी गुड, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल सही बनाया। अच्छा, रीडिंग के हवाले से जो सवाल है ना कि इंग्लिश रीडिंग हम कैसे सीखें, तो सवाल तफसीली है, जवाब मैं सिंपली तो दे नहीं सकता। किस तरह ही दे सकते कि रीडिंग हम कैसे सीखें? अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा कौन सी क्लास में है, उसकी तालीम कितनी है, वो मैट्रिक का स्टूडेंट है, एफए का है, उसने स्कूल कॉलेज की तालीम कितनी हासिल की है, कितनी नहीं की, उस हिसाब से जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना? तो बहरहाल सिंपली जो हमारा इस लैंग्वेज पर कोर्स में हमने पिछले कोर्स में हमने एक लेसन किया था इंक्लूड फॉर रीडिंग के लिए, वो उसका तो वो तरीका है, वो लेसन है, ग्रुप में वो लेसन शेयर है, और एक तो उसमें तरीका बताया गया है कि रीडिंग हमारी अच्छी कैसे होगी, ठीक है? एक ये इसके अलावा प्रैक्टिस है कि एक एक दो दो जुमले इंसान रोजाना, अगर बहुत ज्यादा कमजोर है रीडिंग तो एक एक दो दो जुमले रोजाना उसकी प्रैक्टिस होता है, इससे प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी इसके बाद अगर कोई सवाल है तो फिर मजीद में वजाहत करूंगी मैं इंशाल्लाह। हाँ जी, और कोई सवाल? टाइम खत्म हो रहा है थोड़ा, है तब तक जो है कोई सवाल हो तो आपके सवाल ले लेते हैं, उसके बाद जो है क्लास एंड कर लेंगे, और कल फिर इंशाल्लाह हम पास्ट टेंस के साथ मिलेंगे।